हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी मैंगो केक। और इसको बनाने में मैंने मैदा का यूज़ नहीं किया है और ना ही मैंने इसमें शुगर यूज़ किया है। इसको मैंने जैगरी से बनाया है। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी केक की रेसिपी। तो मैंने ये एक आम लिया है, इसको हम इस तरह इसके ऊपर के पार्ट को इस तरह काट लेंगे। और इसको किसी भी तरह आप छोटे छोटे पार्ट में काट लीजिए, क्योंकि इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। तो मैंने मैंगो को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये देखिए। और अब इसको हम एक ग्राइंडर जार में डालकर और इसमें 1/3 कप जैगरी गुड़ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंगो को मैंने जैगरी के साथ में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये मैंगो पल्प हमारा रेडी हो गया है। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंगो पल्प हमारा रेडी हो गया है और अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप सूजी ली है या रवा लिया है। तो सूजी को हम, क्योंकि सूजी थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसको हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, बस हमें 1 या 2 बार मिक्सी को चलाना है, जिससे कि ये थोड़ा सा दरदरा सा हो जाए, बहुत ज़्यादा मोटी ना रहे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको 1-2 बार चला दिया है, लेकिन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं किया है। तो इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें हम 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 कप इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। और हमने जो मैंगो और जैगरी का मिक्सचर रेडी किया था, उसको मैंने इस तरह 1 कप में कर लिया है। तो आप ध्यान रहे, आप उसको कप के अकॉर्डिंग ही नाप के डालें। अगर आपका मैंगो का पल्प ज़्यादा है तो आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ, मैंने काजू और बादाम के थोड़े से फ्लेक्स लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। और जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है, जब तक हम पैन को प्री हीट के लिए रख देते हैं, क्योंकि आज मैं केक पैन में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह पैन में आप कोई छोटे से स्टैंड को या ये 2 बोल को रख दीजिए और उसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको प्री हीट कर लेते हैं। और या मैंने एक केक टिन ले लिया है, इसमें हमें बटर पेपर को लगा देंगे, जिससे कि केक हमारा इसमें चिपके नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया था और सूजी का जो बैटर है हमारा रेडी हो गया। इसको एक बार हम और मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम दूध डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, बस 1-2 बार इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेकिंग पाउडर और सोडा हमारा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमने जो केक टिन रेडी किया था, उसमें इस बैटर को हम डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम काजू बादाम और पिस्ता से इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए, केक बैटर रेडी है। तो चलिए हम इसको बेक कर लेते हैं। तो जो पैन हमने प्री हीट किया है, उसमें हम इसको रख देंगे और 35 से 40 मिनट में हम इसको बेक करेंगे। फिर इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। चालीस मिनट हो गए हैं फ्रेंड। तो चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको हम पैन में से बाहर निकाल लेते हैं और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा ठंडा हो चुका है। तो नाइफ की हेल्प से हम इस तरह केक को डीमोल्ड कर लेंगे।
और हमने जो पीछे बटर पेपर लगाया है उसको भी इस तरह हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेमोलिना मैंगो केक हमारा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और स्पॉन्जी केक बना है। तो चलिए इस केक को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा सूजी मैंगो केक जिसमें मैंने मैदा या शुगर का यूज नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।